नमस्कार दोस्तों, और आज बात करेंगे 2000 के नोट के बारे में। देखिए, 8 नवंबर 2016 को हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत के अंदर डीमोनेटाइजेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंटेशन में ला दिया, जिसके चलते 2016 से भारत में मिलने वाले 500 और 1000 के नोट को इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया गया। साथ ही साथ सरकार ने नए बनाए गए नोटों को भी इकोनॉमी के अंदर धीरे धीरे इंजेक्ट करना शुरू कर दिया। बात करूं डीमोनेटाइजेशन पॉलिसी को लाया क्यों गया, तो देखिए डीमोनेटाइजेशन पॉलिसी को लाने के पीछे दो पर्पज और दो ऑब्जेक्टिव है। बात है 2016 की, उस टाइम पीरियड में भारत की इकोनॉमी में 500 और 1000 के नोट का मार्केट शेयर था 80% का, जिसके चलते भारत के अंदर ब्लैक मनी की प्रॉब्लम बढ़ती चली जा रही थी, क्योंकि 500 और 1000 के नोट 80% मार्केट को कैप्चर करके बैठे थे। इसलिए बहुत सारे लोग इनकी फेक करेंसी बनाना शुरू कर चुके थे। इन प्रॉब्लम्स का बचने का सलूशन था डीमोनेटाइजेशन, प्लस डीमोनेटाइजेशन के दो ऑब्जेक्टिव भी थे। पहला ऑब्जेक्टिव था कि भारत की इकोनॉमी को कैशलेस इकोनॉमी बनाया जाए, ताकि इंडिया के इंडिविजुअल भी डिजिटल पेमेंट्स के नए नए मॉड्स को सीख सके। और इन्हीं प्रॉब्लम के सॉल्यूशन से और इन ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए नरेंद्र मोदी जी ने डीमोनेटाइजेशन जैसी शानदार पॉलिसी को इंडिया के अंदर इंप्लीमेंट किया। और इस शानदार पॉलिसी को भरपूर समर्थन दिया आरबीआई ने, क्योंकि देखिए 500 और 1000 के पुराने नोट को बंद किया जा रहा था और 500 और 2000 के नए नोट को बनाया जा रहा था, और इंडिया के अंदर नोट को बंद करने और बनाने का पूरा डिसीजन आरबीआई का होता है। इसलिए आरबीआई ने भी इस डिसीजन का भरपूर समर्थन किया और दिन रात मेहनत करते हुए इंडिया की इकोनॉमी के अंदर टाइम टू टाइम नए बनाए गए नोटों को इकोनॉमी के अंदर धीरे धीरे सर्कुलेट करती रही। लेकिन इस सर्कुलेशन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आई 500 और 1000 के नोट का 80% जैसा बहुत बड़ा मार्केट, क्योंकि नए बनाए गए नोटों को बनाने में समय लग रहा था, लोगों तक पहुंचाने का समय लग रहा था। इसलिए 500 और 1000 के 80% मार्केट शेयर को कवर कर पाना कम समय में बहुत मुश्किल था। इसलिए सरकार ने 500 रुपए के नए नोट तो बना दिए, लेकिन 1000 रुपए के नोट के बदले सरकार ने डबल वैल्यू वाला 2000 रुपए का शानदार पिंक कलर का आई कैची नोट बनाया, जिसने काफी हद तक डीमोनेटाइजेशन में जल्दी पैसा लोगों तक पहुंचाने में हेल्प की। और जो मार्केट शेयर 80% 500 और 1000 के नोट का था, वो 500 और 2000 के नोट ने बहुत ही जल्दी 50% मार्केट कैप्चर कर लिया। यानी लोगों को डबल वैल्यू के साथ 2000 के नोट ने काफी रियायत बख्शी डीमोनेटाइजेशन के टाइम पीरियड में। तो ये थी 2000 के नोट के सक्सेस की कहानी। लेकिन 2000 के सक्सेसफुल आई कैची पिंक कलर के नोट की कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट आया 3 साल पहले, जहां खुद आरबीआई ने इस तरह के नोट को बनाना बंद कर दिया, जिसका असर आप अपने आसपास भी देख सकते हैं। जहां पहले 2000 के नोट बहुत ज्यादा दिखे जाते थे, अब 2000 के नोट धीरे धीरे कम दिखते हैं और कई जगह तो ये दिखना बंद भी हो चुके हैं। तो 2000 का नोट जो इतना सक्सेसफुल था, इतना हाई वैल्यू वाला था, जिसने डीमोनेटाइजेशन जैसे टाइम पीरियड में इंडिया की इकोनॉमी को 50% दे दी थी, उस नोट को आरबीआई ने बनाना बंद क्यों कर दिया? ये नोट धीरे धीरे मार्केट से डिसअपीयर क्यों होता चला जा रहा है? क्योंकि देखिए 2000 का नोट हाई वैल्यू प्रपोजिशन रखता है। लोग क्या कर रहे हैं, 100 रुपए 500 रुपए के नोट को या पहले 1000 रुपए के नोट को इकट्ठा करके रखा करते थे, होल्ड करके रखा करते थे, स्टोर करके रखा करते थे, जिसकी वजह से ब्लैक मनी जैसी प्रॉब्लम बढ़ रही थी। उसी का सॉल्यूशन था डीमोनेटाइजेशन। और अब 2000 के नोट के साथ भी यही प्रॉब्लम आ रही है। लोग 2000 रुपए का एक नोट रख करके काफी बड़ी वैल्यू होल्ड करके बैठ जाते हैं, स्टोर करके बैठ जाते हैं, तो ब्लैक मनी की प्रॉब्लम इंडियन इकोनॉमी से गई नहीं। प्लस क्योंकि 2000 का नोट बहुत बड़ी वैल्यू रखता है, इसलिए जितने भी फेक करेंसी वाले फ्रॉड इंडिविजुअल है, वो सिर्फ 2000 के नोट की ही फेक करेंसी बनाना शुरू करें। इसी बात से बचने के लिए गवर्नमेंट ने यह डिसीजन लिया है कि धीरे धीरे 2000 के नोट को बनाना कम कर दिया जाए, जिसमें आरबीआई ने भरपूर समर्थन दिया है। और 2000 का नोट इसी वजह से धीरे धीरे डिसअपीयर होता चला जा रहा है। और हालत यहां तक आ चुकी है कि 2000 के नोट ने जहां 50% का मार्केट शेयर कैप्चर कर लिया था, वो मार्केट शेयर सिर्फ 13% का रह गया है।